हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कामनी मौर्य और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली इग्नू है क्या। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा इग्नू का नाम, कि हम अगर अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन है या जो भी है, आपने इग्नू नाम जरूर सुना होगा कि मैं 12th के बाद इग्नू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली इग्नू है क्या और ये क्या लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, और बहुत सारी चीजें इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि उसके कोर्स के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, या कौन कौन से कोर्सेज हैं जो ये ऑफर करता है, और क्या एडवांटेजेस हैं जिससे कि आप इग्नू, अगर इग्नू से अपनी ग्रेजुएशन या फिर जो भी चीज आप करना चाहते हैं तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि इसी तरह मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए हमेशा लाती रहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इग्नू क्या है हमारा, सबसे पहले तो हम इसके फुल फॉर्म जानते हैं कि इग्नू जो इतनी बार हम यूज करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि आप शॉर्ट में इग्नू बोलते हैं। और इसको बेसिकली कौन कंट्रोल करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर आप इसके एडमिशंस की बात करें जो कि हम ओवरऑल देखते हैं, तो इसकी एक्टिव एनरोलमेंट अबाउट 4 मिलियन स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो इसको एक तरह से ये भी कहा जाता है, इस पर क्लेम है आप कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड के अंदर, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्सेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और एक तरह की ये एक टाइप ऑफ ओपन एजुकेशन भी है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कौन लोग इग्नू से अपनी डिग्री वगैरह ले सकते हैं, तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। कितने भी टाइम बाद, कितना भी आपका गैप है, तो आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। आप 12th के बाद इजीली एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपने स्किप कर दिया या फिर ड्रॉप कर दिया अपना ईयर, तो भी आप ले सकते हैं। अगर इसकी बात करें कि कितने मार्क्स चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए, तो इसमें कोई भी मार्क्स की लिमिट नहीं है। आपको जस्ट चाहिए कि आप 12th पास हों। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी कट ऑफ निकलती है, या फिर आपका बेस्ट 4 में कैलकुलेशन कितना आ रहा है, या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। तो आपका इजीली एडमिशन हो जाता है, आप बस पास होने चाहिए 12th क्लास में। इसके बाद हम बात करें इसका एडमिशन प्रोसीजर कैसा होता है। तो इसका एडमिशन प्रोसीजर हमारा ऑनलाइन होता है, बट मे बी समटाइम्स आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड करते हैं जब रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं या फिर एडमिशन होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब आपको क्या कहते हैं वहां पे जाके कंफर्म करना पड़ता है, तब वो चीज़ें ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो इसकी फी स्ट्रक्चर लगभग SOL के बराबर होता है, जो कि होता है हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, इसके भी फीस ऑलमोस्ट सेम होती है, जैसे कि 3000 समथिंग कुछ होती है एक साल की SOL में, तो इसके भी लगभग उतने ही होती है अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको फीस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। अगर हम बात करें एग्जाम्स की, तो SOL में जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ एक बार एग्जाम होते हैं उसमें। ठीक है, एक ईयर में एक एग्जाम होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, आपके एक ईयर में 2 बार एग्जाम होते हैं। मे बी मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम फेल हो गए हैं एक साल में, मीन्स जैसे कि हमारा 6-6 मंथ का आप रखेंगे गैप, तो उसमें जो फर्स्ट होता है उसमें आप क्या कहते हैं अगर फेल भी हो जाते हैं तो सेकेंड टाइम आप रीअपेयर हो सकते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं हम कि इग्नू का जो रिजल्ट होता है वो कैसा आता है। तो इसका रिजल्ट मीडियम होता है, जो कि बेस्ड होता है असाइनमेंट्स पे या फिर प्रोजेक्ट्स। जो भी आप असाइनमेंट्स या फिर प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, जो भी उसमें मार्क्स आते हैं, तो उनके बेसिस पे भी आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं, और साथ में आपके एग्जाम तो होते ही होते हैं। अब हम बात कर लें अगर स्टडी सेंटर की, कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आप कैसे चूज करेंगे, तो वो आप अपने आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग इजी हो, आपके लिए डिस्टेंस में भी कम हो, जहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकें। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कोर्सेज की, कि इग्नू कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो इसमें जैसे कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हो गए हैं, PG, डिप्लोमा, डॉक्टरेट, ये काफ़ी बड़े बड़े कोर्सेज हैं जो कि इग्नू प्रोवाइड करता है। तो इसमें अगर हम शॉर्ट में पढ़ लें कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो वो है MBA, MA, MSc, PGDM, MCOM, MPhil, BCA, MCA, PG एंड सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्सेज। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज हैं जो कि इग्नू प्रोवाइड करता है। अगर हम बात कर लें कि अंडर ग्रेजुएशन जो होता है आपकी, वो आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस की फैकल्टी में जो भी आपके आते हैं, तो आप इसमें इजिली BA प्रोग्राम भी कर सकते हैं, ऑनर्स भी कर सकते हैं, BCOM प्रोग्राम भी कर सकते हैं, ऑनर्स कर सकते हैं, एंड सिमिलरली आप BSc ऑनर्स भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें नेक्स्ट हमारा एंट्रेंस एग्जाम, तो एंट्रेंस एग्जाम इग्नू कंडक्ट करवाता है, जिसमें कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, BEd हो गया, MEd हो गया, उसके बाद हमारा BBA, MBA। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि इग्नू ऑफर करता है, इनके एंट्रेंस एग्जाम पे आपका सिलेक्शन होता है। अब हम बात कर लें कि इग्नू आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों आप
आपको इग्नू में अपना एडमिशन लेना चाहिए या फिर जो भी आपकी डिग्री वगैरह है वो आपको इग्नू से क्यों चूज़ करनी चाहिए। तो इसके कुछ फ़ायदे हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ईजी पड़ जाता है, मीन्स आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हैं। जस्ट लाइक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसे हम ओपन के थ्रू बोलते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी चीज़ है, तो आप इजीली क्या कहते हैं इसमें भी काफ़ी टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी परसों कर सकते हैं। इसमें आपका जो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह हैं वो भी प्रोवाइड हो जाते हैं इजिली, और क्या कहते हैं जो एडमिशन है वो हमने बात की थी कि दो टाइम होते हैं, मीन्स 6-6 मंथ के गैप पे आपके दो बार एडमिशन आपके क्या कहते हैं एडमिशन भी हो जाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि फेल हो गए हैं या फिर एडमिशन नहीं ले पाए हैं फर्स्ट फ्यू मंथ्स में, तो आप दोबारा ले सकते हैं। और इसकी डिग्री की बात करेंगे तो वो भी रेगुलर के ही कंपैरिजन में आपकी बराबर होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी डिग्री कम वैल्यूएबल होती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर कॉलेजेस, बट बोथ द डिग्रीज हैव सेम वैल्यू, बोथ द डिग्रीज हैव इक्वेलेंट वैल्यू। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये सारी एडवांटेजेस हो जाती हैं जो आपको इग्नू में मिलती है। सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के थ्रू, जिसमें मैंने इग्नू के बारे में बताया कि इग्नू है क्या, क्या क्या इसका एडमिशन प्रोसीडर है या क्या क्या मेरिट्स हैं जो कि इग्नू ऑफर करता है। तो आई होप कि आप अपना डिसीजन बना पाएंगे कि आपको इग्नू में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, लेना है तो क्यों लेना है। तो ऐसी काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, एंड ऐसी ही वीडियोस आप चाहते हैं फ्यूचर में कि मैं लेके आती रहूं, आपके साथ शेयर करती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस।